प्रदेश की दौसा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खान भाकरी रोड LIC ऑफिस के पास अवैध रूप से परिवहन करते पाए गए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विस्फोटक पदार्थ, डेटोनेटर, गुल्ला व कनेक्टिंग वायर बरामद करने में सफलता हासिल की है और साथ ही एक पिकअप गाड़ी और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जा रही थी, उसी दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से कुल 40 पेटी गुल्ला, डेटोनेटर के 13 पैकेट और 13 कनेक्टर वायर बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी के ड्राइवर राजेश मीणा को गिरफ्तार किया है। तो वहीं सामने आया कि आरोपी के पास से विस्फोटक लाइसेंस अथवा कब्जे में रखने या परिवहन करने का कोई वैध कारण नहीं बताया गया। फिलहाल पुलिस ने धारा 286 विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अवैध माइनिंग में जो एक्सप्लोजिव प्रयुक्त होता है उसके संबंध में अभियान चलाया जा रहा था। आज मुखबिर की सूचना पर एक वाहन को चेक किया गया तो उसमें 10 क्विंटल अवैध विस्फोटक और 65 डेटोनेटर मिले हैं जो कि विस्फोटक करने में काम में आते हैं और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, राजेश मीणा, निवासी दौसा। ये प्रथम दृष्टया तो जानकारी यही सामने आ रही है कि माइनिंग में यूज़ करते थे और अवैध की आड़ में अवैध काफ़ी परिवहन करते थे। बाकी जो तफ्तीश है उससे सामने आएगा सच। पुलिस मुख्यालय और उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार समय समय पर नाकाबंदी की जा रही थी और मुखबिरी में मामूर किए गए थे तो उन्हीं की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, बाकी अन्वेषण से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।